हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से, जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं, 2 और 3 दिसंबर को पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया जाना है। तो उसी संदर्भ में आज एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से है। आज शाम से ही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एचटेट परीक्षा के लिए, एचटेट 2023 की परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं और वो कुछ ही मिनटों में अभी लाइव भी हो जाएंगे। तो इस विषय में ये जानकारी देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट एक जो आंकड़ा हमारे पास है, तो प्रदेश भर में लगभग 2,52,028 अभ्यर्थी, जिनमें 1,72,391 महिलाएं होंगी, 79,596 पुरुष और 41 ट्रांसजेंडर 408 परीक्षा केंद्रों पर प्रविष्ट होंगे। 2 दिसंबर को सायं 3 से 5:30 बजे तक Level 3 यानी PGT की परीक्षा संचालित होगी। इस परीक्षा में 260 परीक्षा केंद्रों पर 76,339 अभ्यर्थी प्रविष्ट होंगे, जिसमें 53,200 महिलाएं व 23,131 पुरुष एवं 8 ट्रांसजेंडर शामिल होंगे। 3 दिसंबर को रविवार को प्रातः 10 से 12:30 बजे तक Level 2 TGT की परीक्षा संचालित होगी। इस परीक्षा में 408 परीक्षा केंद्रों में 1,21,574 अभ्यर्थियों में 83,545 महिलाएं होंगी और 48,008 पुरुष एवं 21 ट्रांसजेंडर प्रविष्ट होंगे। इसी दिन यानी 3 दिसंबर रविवार को सायं 3 से 5:30 बजे तक Level 1 यानी PRT की परीक्षा संचालित होगी। इस परीक्षा में 188 परीक्षा केंद्रों पर 54,115 अभ्यर्थी प्रविष्ट होंगे, जिसमें 35,646 महिलाएं व 18,457 पुरुष एवं 12 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। अभ्यर्थी को परीक्षा आरंभ होने से लगभग 2 घंटा 10 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। तो यह आंकड़ा बड़ा स्पेसिफिक है, 2 घंटा 10 मिनट पूर्व। केंद्र के मुख्य द्वार पर मेटल डिटेक्टर से तलाशी, बायोमेट्रिक, अंगूठे के निशान का डाटा कैप्चरिंग इत्यादि अनिवार्य औपचारिकता समय से पूरी हो सके, तो इसके लिए इतना जो टाइम फ्रेम है उसको बोर्ड ने रखा है। इसके अलावा कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा, तो इसमें एक लगभग 34 ऐसे अभ्यर्थी जिनके प्रवेश पत्र रोक दिए गए हैं बोर्ड द्वारा, इनके हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान, फोटो इत्यादि स्पष्ट नहीं थे। इनकी सूची बोर्ड वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। संबंधित अभ्यर्थी परीक्षा से पूर्व शुद्धि करवा लें, शुद्धि उपरांत ही प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त जिन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, वे अपने कंफर्मेशन पेज के साथ बोर्ड मुख्यालय भिवानी के कमरा नंबर 28 में कार्यालय दिवस में प्रातः 9 बजे से सायं 4:30 बजे तक व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में यदि किसी अभ्यर्थी को तकनीकी कठिनाई उत्पन्न होती है तो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी बोर्ड ने जारी किए हैं। पहला नंबर है 9358767113 व ईमेल आईडी helpdesk@2023@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एडमिट कार्ड से रिलेटेड। देखिए, इसके लिए जो ये मामला है विचाराधीन है और बोर्ड इसमें बड़ी तेजी से कार्य कर रहा है और कुछ ही समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन जिन अभ्यर्थियों की इस प्रकार से जो फीस रिफंड होनी है, जो डबल इस तरह से अप्लाई हो गए थे, वो जल्द ही रिफंड होगी। 25 नवंबर तक की तिथि मुकर्रर की गई थी कि 25 नवंबर तक सभी अभ्यर्थी, ऐसे जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो फीस है वो इश्यू जो है सॉर्ट आउट कर दिया जाए। जी, कोई सूची, कोई डाटा इसका आया? देखिए, इसमें जो है 25 की तारीख इसमें मुकर्रर हुई है, तो आवश्यक तौर पर अभी एक दिन उसमें बाकी भी है, तो वो जरूर उसमें हम लोग भी काम कर रहे हैं और जितना जल्दी हो सकेगा इसको करवाने की कोशिश होगी। इसमें आई थिंक ये जानने की जरूरत, थोड़ा टेक्निकल इशू बैंक के साथ भी रहता है, तो उसमें हम बोर्ड इसमें पूरा बैंक के साथ भी टच में है, जितना जल्दी हो सकेगा हम फीस रिफंड करवाने का प्रयत्न करेंगे। सर, एक्सरसाइज में कितना स्टाफ लगभग रहेगा बोर्ड का?
देखिए, ये पूरे राज्य स्तरीय परीक्षा होती है और एसटेट का पूरे प्रदेश में जो हमने इतने समय में नाम इसका अर्जित किया है, तो इसमें जो संख्या होती है वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी या पूरी स्टेट की मशीनरी होती है, तो उसका मुझे लगता है संख्या तो इसकी निकालना भी बड़ा मुश्किल कार्य होगा। क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे जितने भी जिले हैं उनके टीचर्स जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है, बोर्ड का जो हमारा सारा ही स्टाफ आप लगा लीजिए इसमें रहता है, बाकी आंकड़ों के लिए आप हमारे डिप्टी सेक्रेटरी साहब इसमें आंकड़े जरूर जारी करेंगे। उड़नदस्ते भी इसके लिए बनाए गए हैं सर, और सीसीटीवी कैमरों से लाइव मॉनिटरिंग की जाए। 172 उड़नदस्ते इसके लिए बनाए गए हैं। कुछ पाबंदियां भी लगाई जाती है सर, ये परीक्षा केंद्र पर किन किन वस्तुओं की मनाही होगी, किन 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 चीजों की अनुमति होगी, जरा जो लोग हैं जो जानना चाहते हैं प्रदेश के लोग उनको बता पाएंगे क्या क्या पहन सकते हैं, क्या पहन कर नहीं। देखिए, इसमें सबसे पहले आप जानने की छूट किस किस चीज पर होगी। तो एक तो जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके मंगलसूत्र पहनने पर बिंदी व सिंदूर लगाने की छूट रहेगी। इसके अलावा जो सिख अभ्यर्थी हैं उनको अपनी धार्मिक आस्था के चिन्ह ले जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा जो जितने भी आइटम्स बैन हैं वो एक बार मैं प्रदेश के हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहूंगा कि अंगूठी है, जैसे चेन है, बालियां हैं, हार, लटकन, ब्रोच इत्यादि जैसे सभी गहने, किसी भी धातु की वस्तु, कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल फोन, पेजर, ब्लूटूथ, ईयरफोन, कैलकुलेटर, घड़ी, पर्स, लॉग टेबल, हेल्थ बैंड, प्लास्टिक पाउच, कोरा या मुद्रित कागज एवं लिखित चिट इत्यादि लेकर जाने की अनुमति नहीं। इसमें देखिए, जितने भी हमारे डिसेबल्ड अभ्यर्थी इसके लिए रहेंगे तो सभी को जो है लेखक के चयन की अनुमति बोर्ड द्वारा दी गई है। इसमें अगर अभ्यर्थी चाहे तो बोर्ड भी उनके अनुरोध पर उन्हें एक लेखक उपलब्ध करवा सकता है, पर इसके लिए ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि से कम 7 दिन पहले बोर्ड मुख्यालय में प्रातः 9 बजे से 4:30 बजे तक कमरा नंबर 28 में आना पड़ेगा, इसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के अनुरोध पर लेखक की सुविधा केंद्र अधीक्षक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए अभ्यर्थी को कम से कम 2 दिन पहले दोपहर 1 बजे से 4:30 बजे तक केंद्र अधीक्षक से संपर्क करना होगा, जो केंद्र हमारे बनाए गए। अच्छा, लेखक के लिए शैक्षिक योग्यता सीनियर सेकेंडरी से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये इसमें।